हेलो, कैसे हैं जी सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और मैंने बना ली अपने लिए चाय। और अभी अभी जो मेरे नेबर है ना, उनका बेटा आया था, छोटा सा है, बुलाने के लिए कि आंटी आ जाओ, मम्मी बुला रही है, चाय बना रखी है। और चाय मैंने भी बना ली है, झूठ नहीं बोल रही हूँ, देखो ये रखी। और मैं ये एक प्लांट लेके आई थी आज किसी के यहाँ से, रोड से जा रही थी, वहाँ पे था ये मेरे पास। जो ये है ना स्पाइडर प्लांट, वो अलग वैरायटी का है, ये अलग वैरायटी का है। तो पहले चाय पीऊँगी, पहले तो उधर जाती हूँ चाय लेके, चाय पीऊँगी, उसके बाद दूध लेके आऊँगी, उसके बाद इसको लगाऊँगी। तो चलिए वहीं मिलते हैं आपसे, प्रीति के घर पे। चलिए चाय ले लेते हैं, और चाबी भी मैंने ले ली है। तो चलिए मिलते हैं प्रीति के घर पे आपसे। ए आजा, ऐसे ही काम करे कर। देखो हम अपनी चाय साथ लेकर आएगा, ठंडी होगी तो गरम कर दियो बाहर। अरे मैया कितनी बना रखी तुमने, पूरा डोंगा भर गया। तो पहले फोन करती है आप मुझे कि आजा चाय पी ले? तो ना अरे मैया, घर बहुत दूर है मेरा। अभी प्रीति को आ जान दो। चलो कोई ना, थोड़ी सी डाल दियो एक घूंट इसमें भी आपके हाथ की। बाबूजी आ गई मैं चाय पीने के लिए। आप ही गए थे मुझे बुलाने? हैं? देख वीडियो बन दी, हाय तो कर दे, बनवानी ना। आ जा चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी घर वापस, 5:30 पौने 6 बज गए थे। उसके बाद दूध लेके आई, उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा छत पे। ये जो मैं स्पाइडर प्लांट की वैरायटी लेके आई हूँ ना किसी के यहाँ से, तो उसको मैं लगा दूंगी। और 3 बेल मैंने रख लिए ये अपराजिता की, इन्हें भी लगा दूंगी। और ये ऐसे ही छोटे छोटे से पेड़ थे, मतलब जो बेबी प्लांट निकल जाते हैं, वो मैंने एक दिन इसमें जिसमें जो बढ़ते हैं ना उस बर्तन में लगा दिए थे। तो ये भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, कुछ इनमें से लगा दूंगी। तो पहले तो मैंने जो ये बांस के प्लांटर बनाए थे ना, इनमें सब में मैंने मट्टी भर के तैयार कर ली है, और मट्टी में खाद वगैरह सब मिला रखा है, रेत भी, मतलब पोरस मट्टी है अच्छी। तो इसमें तो 3 बेल मैंने लगा दी अपराजिता की। और इसमें मैं किनारे किनारे तो लगाऊंगी ये वाली वैरायटी जो मैं लेके आई हूँ। और देखो इतना फ़र्क है इसमें, जो मैं वैरायटी ये लेके आई ना, इसमें तो मतलब पत्तियों में किनारों पे वाइट कलर है, बीच में ग्रीन कलर। और मेरे पास जो है ये जो मेरे पास है स्पाइडर प्लांट, ये प्रॉपर ग्रीन कलर का है, देख सकते हैं आप। और इसने बहुत अच्छी रूट पकड़ ली है, इसमें मैंने इसमें रख दिए थे ये सारे लगा के, और बहुत अच्छे हो गए हैं। अब इन्हें मैं इसमें से निकाल के कहीं भी लगा सकती हूँ। और भी बहुत सारे बेबी प्लांट आ रखे हैं मेरे जो स्पाइडर प्लांट है उनमें, तो ये बहुत अच्छे होते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। कम पानी चाहिए इन्हें, कम ही इनकी जड़ फैलती है, तो इसलिए मैं ये जो मेरे प्लांटर है इनमें इनको ही लगा रही हूँ, ताकि ग्रीनरी भी लगे और मतलब डेकोरेशन सी भी हो जाएगी, और पानी भी कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई कोई प्लांट ऐसा होता है जिसको बहुत पानी चाहिए। और एक मेरे पास ये है, नाम मैं इसका नहीं जानती क्या है, लेकिन इसकी पत्तियाँ बहुत सुंदर है, ग्रीन पे ना पर्पल कलर की लाइनिंग आ जाती है पत्तियों पे इसकी। इसे भी मैं कहीं से लेके आई थी कई महीने पहले, और अब मेरे गार्डन में इसके 2-3 गमले हो रहे हैं, तो उसकी ही मैं पत्तियाँ सी तोड़ तोड़ के इसमें लगा दूंगी, और हल्का हल्का सा सब में पानी दे दूंगी। और इनमें 3-4 दिन में आप एक बार पानी दे दें, थोड़ा थोड़ा सा, उतना ही बहुत होता है। और आज मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर मिली थी, उनका नाम है मोनिका त्यागी, वो यहीं की है, मोदीनगर की ही। और उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी क्या बात है आजकल ब्लॉग नहीं आ रहे हैं आपके, लेकिन मैं डालती तो हूँ, लेकिन वो सब ऐसे होते हैं कि मैंने DIY किया है, ये किया है, लेकिन मैं अपना मतलब कुछ भी पर्सनल उसमें थोड़ा सा भी नहीं डालती हूँ, कि जैसे थोड़ी बहुत बातचीत है ये कुछ। तो अब से मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा मतलब लाइव भी कुछ डाला करूँ। और अगर आपको मेरे व्लॉग इस तरह ही पसंद आएंगे कि थोड़ी बहुत बातचीतें हों, थोड़ा बहुत कुछ DIY हो या कुछ प्लांट से रिलेटेड हो, अगर आपको इस तरह पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे, फिर मैं ऐसे ही आगे कंटिन्यू करूँगी।
देखो कैसे लग रहे हैं, ये जो रखे थे ना बांस वाले जो मैंने बनाए थे, तो मैंने सोचा आज इनको बना ही देती हूँ। देखो सब मैं लगा दिया, बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे लेकिन हो जाएंगे सुंदर। और जब ये बेल चल जाएगी ना इस पर, तो इसको ना मैं इस पर रस्सियों पर चढ़ा दूंगी बेल को, तो फिर ज़्यादा सुंदर लगेगी। और फिर इधर लगा दूंगी दीवार पर इधर, तो यहाँ पर ज़्यादा सुंदर लगेगी दीवार पर। तो चलिए पौधों में पानी लगा देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत होने लगी है और पौधे ना बहुत ज़्यादा सूखे सूखे हो जाते हैं। तो चलिए आइए पानी लगा देते हैं पहले। और मैं ऊपर काम करती थी ना, तो सामने वालों की ना देवती आई हुई है, मतलब उनकी बेटी की बेटी आई हुई है, बड़ी क्यूट सी है, अरु नाम है उसका, नीचे रोड पे खेल रही है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं अरु से। आजा, आजा, आजा। हेलो अरु, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बेबी? कहाँ जा रहे हो? ओ बोल, ले लो ले, इधर से बोल जा पर ले। अरे अरु देखो इधर, फेंको जल्दी बोल, किसकी बोल उठा के लेके आई तू? मैं तो इसकी आई हूं। अच्छा फेंको फेंको फेंको, पूरा ही देगी आपको जाके। लाओ मेरे को दे दो, लाओ लाओ ये मम्मा के साथ ही खेलेगी, नानी के साथ नहीं खेलना इसको। खाने का टाइम हो गया, खाना बना दो। आलू गोभी की सब्जी बना रही, बस सलाद और रोटी। अभी फिलहाल मैं अकेली थी तो सोची थी सब्जी ना बनाऊं, लेकिन पायल आ रही है, उसका फोन आया कि मैं आ रही हूँ, वो अपनी बुआ के गई थी पिछले 3 दिन से, तब वो आ रही है, तो इसलिए फिर मैं सब्जी बना रही हूँ। मेरे लिए थोड़ी सी सब्जी रखी थी, मैं उससे खा लेती, बच्चे आ रहे हैं तो बना देते, बुआ का बेटा आ रहा है छोड़ने के लिए, तो तब तक मैं फटाफट आलू गोभी बना देती हूँ। खाना बनाने के बाद मिलता है फिर आपसे आराम से। नमस्ते भी नहीं करती मोटी, नमस्ते करो। देख लेगा आ गई बुआ के से पायल। पायल थक गई? दो एक घंटे हो गए। एक घंटे में आयो? हाँ। एक घंटा तो नहीं लगता, मैं पौने सात बजे निकले। आज पायल को फ्री का पाउडर लगा के लाया। कहाँ से लाया? रास्ते में जाम लगा था ना, धूल मिट्टी उड़। अच्छा पता नहीं वहां पे कुछ नहीं था, जाम कैसे हो गई? पायल आ रही थी ना इसलिए हो गया जाम। खाना बना तो बन रहा, भूख लगी। बुआ का खाना नहीं खाया पायल ने? भूख नहीं था। अच्छा
मसाला घेर दूँ? अभी घेर। नमक खाली या चाट मसाला? खाली नमक या चाट मसाला? तो यार नमक खबर टेक ना होगे यार, चाट मसाला दोनों ठीक है, डाल रही हूँ। कर रहे हैं वो रात को खाना खाने के बाद रोड पे, हम आधा पौना घंटा वॉक करते हैं रोज, मैं और आंटी ठीक है वॉक करते हैं, फिर 5-7 मिनट बैठ के बातें करते हैं, तब घर पे जाते हैं। तो अभी अंधेरा हो रहा है तो आपको साफ चमक नहीं रहा होगा। लाया था वो